नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने चैनल में। बात करी कर रहे हैं हम लोग जो गुरु का जो वृश्चिक राशि में जो गोचर हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। दो राशियों के बारे में मैं आपको बता चुका था और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों पर इस गोचर का क्या फर्क पड़ने वाला है। बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि में 11 अक्टूबर 2018 में होगा। इसी राशि में 29 मार्च 2019 तक की भ्रमण करेंगे और 29 मार्च को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 10 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे तथा 23 अप्रैल को वक्री होकर गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में वह 5 नवंबर 2019 तक भ्रमण करते रहेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर विभिन्न विभिन्न राशियों पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मेष और वृषभ राशि के बारे में मैं आपको दे चुका हूँ। मिथुन राशि वालों, आपके जो गोचर हो रहा है वो छठे भाव में हो रहा है। गुरु यहाँ बैठकर कर्म व्यय तथा धन को देख रहा है, अर्थात स्पष्ट है कि कठिन मेहनत में ही सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल समय है। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर आप नौकरी में चेंज चाह रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए समय अनुकूलता लेकर आएगा। व्यवसाय के लिए लोन लेने पड़ सकते हैं। कुछ लड़ाई और झगड़े के योग भी यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता में सफलता पाने के सु अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। आपकी लगन पर क्या स्थिति होगी वो आप हमसे विवेचन कराएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। बहुत सामान्य आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको आपकी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है और आलस से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आलस से जितना करेंगे उतना आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ मुझे दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि छठे भाव में हो रहा है और जो बृहस्पति देव हैं वो आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे यहाँ पर थोड़े से बढ़ाएंगे, लेकिन नौकरी इत्यादि की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और धर्म कर्म में आपकी थोड़ी सी रुचि यहाँ पर आती हुई तो दिखाई देगी। लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूँगा कि एक तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं थोड़ी सी विवाद होने की संभावनाएं यहाँ बनेंगी, खर्चों से आपको परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में डबल मीनिंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रोफेशनल लाइफ हालांकि आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। कुछ आरोप प्रत्यारोपों का सामना आपको नौकरी में करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहने वाली है और जीवन साथी के साथ थोड़े से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा अहंकार की भावना अंदर ना लेकर आए। शनि के नक्षत्र में आपको थोड़ी सी असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। भाग्य उस समय उतना साथ आपको नहीं देगा। हालांकि कई बार आपको ऐसा भी लगेगा इस गोचर के दौरान कि दोस्त जो हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं और आप उनसे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक उत्साह होगा, जोश होगा, जिससे आप वह सारी जो नेगेटिविटी होगी उस नेगेटिविटी को आप दूर करते हुए चलेंगे। नौकरी व्यापार के लिए कुछ दूर यात्राएं भी आपकी होती हुई दिखाई देंगी और ये यात्राएं आपके लिए 50-50 रिजल्ट देंगी। तो एक्सपर्ट की सलाह ले लें और किसी भी यात्रा को बिजनेस यात्रा को करने से पहले देख लें और पिता से इस बारे में आप अपना डिस्कशन करते चलें। पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर चलें तो आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो मिथुन राशि वालों, अच्छा ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। बस ध्यान रखिएगा जो बातें मैंने आपसे कही, खासतौर से स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा पर्सनल एनालिसिस रिपोर्ट उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि ये गोचर आपके लिए शुभ रहे, आपकी नौकरी आपको मिले और आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलने के ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।